उत्तराखंड में 15 दिसंबर को 38वें नेशनल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। लॉन्चिंग सेरेमनी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5 सिंबल लॉन्च किए जाएंगे। इसमें लोगो, एंथम, शुभंकर, टॉर्च और जर्सी शामिल है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व अधिकारी सम्मिलित होंगे। इसी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा चुकी हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच की सुविधा दी जा रही है। 15 तारीख को राष्ट्रीय खेलों की पहचान लोगों का लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के रंगों में भारत के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। खेल के आयोजन स्थल के बारे में जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि देहरादून आरजीआईसी स्टेडियम में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, आईएमएमए शूटिंग, न्यू मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल और एफआरआई में गोल्फ आदि खेलों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का नाम रोशन कर मेडल लाने वाले बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सभी 32 कोर गेम्स के विश्व स्तरीय आयोजन को कराने में उत्तराखंड सक्षम है। सरकार के हर स्तर पर तैयारी पूरी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, उस निर्देश में काम करते हुए कल मेरा दिल्ली जाना हुआ और दिल्ली जाने में माननीय केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी से मुलाकात रही। मनसुख मंडाविया जी के साथ मुलाकात में उनको 15 तारीख जिस दिन हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम है, लॉन्चिंग प्रोग्राम का तात्पर्य राष्ट्रीय खेलों के निमित्त 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण सिंबल भी हैं, 5 हमारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में उसका प्रयोग होगा, प्रचार प्रसार में उसका उपयोग होगा, जिसमें हमारा लोगो है जो हमारे खेलों की पहचान उत्तराखंड के रंगों को भारत तक, भारत के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेगा, वो आप हम सब के बीच में लॉन्च होगा। एंथम एक ऐसा गाना होगा जो राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने का काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से शुभंकर का भी लॉन्च उसी दिन होगा जो हमारा खेल आइकन होगा और पूरे देश में खेल भावना का प्रतीक के रूप में बनेगा। इसी प्रकार से हमारी टॉर्च लॉन्चिंग भी होगी जिसमें एकता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक के रूप में वह स्थापित होगा जो राज्य भर की यात्रा करेगा और राष्ट्रीय खेलों की रोशनी फैलाने का काम करेगा।